आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना अंतर्गत सिकंदरपुर मऊ आईमा में दलितों और मुस्लिमों के बीच हुए संघर्ष और उसमें हुई कार्रवाई को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सियासत को गर्म करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के एक ट्वीट ने किया। अक्सर ये आरोप लगते रहे कि मायावती अंदर खाने से बीजेपी को हर मामले में सपोर्ट करती हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर हुए एकतरफा कार्रवाई को भी सही ठहराया था। इसके बाद सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया था सिकंदरपुर मऊ आईमा गांव का और कहा था कि FIR में छेड़खानी का कहीं भी जिक्र नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने सिकंदरपुर मऊ आईमा गांव का दौरा किया है और लोगों से मुलाकात करके वास्तविकता को जानने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से अल्पसंख्यक समाज के लोगों से माफी मांगने की मांग की है और कहा कि मायावती स्पष्ट करें कि वो राजनीतिक रूप से भाजपा के साथ हैं। बता दें कि इस मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई थी और कहा गया था कि सीएम योगी ने घटना को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। 12 लोग गिरफ्तार हुए थे और 7 लोगों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा इस घटना को लेकर हो रही थी जिसको लेकर राजनीतिक पंडितों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था। रही सही कसर FIR में छेड़खानी का जिक्र न होने से इन आरोपों को बल मिलने लगे। उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और SP आजमगढ़ पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगा डाले। यहां तक कि कांग्रेसियों ने SP आजमगढ़ को बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता बता डाला। कांग्रेसियों ने जिले से SP को हटाए जाने की मांग की है। आइए सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि लोगों के बयान किस तरह से आ रहे हैं। आजमगढ़ में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर्स और सरकार का इंटेंशन हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। आपको याद होगा 12 तारीख को सिकंदरपुर आईमा गांव में एक हिंसा की घटना होती है और दूसरे ही दिन उसको ऐसे प्रचारित किया जाता है कि उसमें दलित महिला के साथ मुसलमान लड़कों ने छेड़छाड़ की। ये अखबारों में प्लांट करवाई जाती है खबरें। योगी जी का बयान आता है कि वो इस पर बहुत सख्त हैं और उनके ऊपर NSA लगना चाहिए। ये मामला आया, उसके बाद मायावती जी का भी ट्वीट आता है, जो ट्वीट मेरे हाथ में है आप देख सकते हैं। ये 13 तारीख का ट्वीट है, इसमें उन्होंने लिखा है कि UP के मुख्यमंत्री देर आए पर दुरुस्त आई, अच्छी बात है। दलित की बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में ये इसका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर आप FIR देखें, ये FIR की कॉपी है, आप हम दे भी देंगे, तो इसमें कहीं पर भी महिला उत्पीड़न या छेड़छाड़ की कोई बात आई नहीं है। छेड़छाड़ हुआ है तो ये बात FIR में होना चाहिए। वो SP है, लिखा पढ़ी में तो उनको यकीन होना चाहिए कि मौखिक हर काम चलेगा। अगर इसमें जिक्र है, घटना हुई है, तो जिक्र होना चाहिए ना। जिक्र तो नहीं है, अगर जिक्र होता तो हम बात मान लेते। ये तो BJP के लोग भी कह रहे हैं मौखिक तौर पे। वही बात अगर SP भी कहने लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी स्थानीय गुंडे में और SP में क्या फर्क रह जाएगा। ये फर्क और ये गरिमा तो उनको बचा के रखनी होगी ना। ठीक, धन्यवाद।